यहाँ आता था ये यहाँ आया बाग से, यहाँ आके ये मैं तो वहां सोया था रात को, रात को। अच्छा इधर आया वो तो फिर सुबह मैं यहाँ आता दौड़ निकलने के लिए 5 बजे, अच्छा तो वो तो ऐसे दरवाजा खुला पड़ा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ धर्मेंद्र। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊपर। तो एक संत महात्मा बीमार है और उनका हमारे पास फोन भी आया था, तो वही मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो चलते हैं वहाँ और देखते हैं उनके हाल चाल क्या है, उन्होंने क्या दवाई वगैरह ली है। और जैसे ही हमको इनके समाचार मिले और उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वहाँ जाते हैं और वो स्थान भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देख लीजिए दोस्तों, ये पहाड़ी एरिया है और ऐसे दुर्गम स्थानों पर महात्मा जी का इतना ऊपर रहना, देख लीजिएगा। ये देख लीजिए ऊपर जो आपको दिख रही है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस कुटिया में महात्मा जी जो है रहते हैं और ये पहाड़ी पूरी मैंने आपको दिखा दी। दोस्तों राजस्थान में वैसे भीषण लू चल रही है और अभी धूप भी है, लेकिन हमको संत महात्मा जी का जो समाचार मिला और उन्होंने फोन किया तो मुझे आना पड़ा। हम भी थक रहे हैं, इतनी ये ऊपर चढ़ाई है और ऊपर जो है लू का प्रकोप, और अभी ये रास्ता भी बन रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, तो यहाँ ये फेमिन के लेबर लगे हुए हैं। तो ठेठ तक ये रास्ता हो जाएगा तो दोस्तों कोई भी किसी तरीके का टू व्हीलर ऊपर चढ़ सकता है। और ऊपर महात्मा जी के कुटिया पे जाके दर्शन कर सकता है। दोस्तों देख लीजिए ये कितना चढ़ाई है, हम भी थक गए हैं। तो बेचारे संत वो किस तरीके से रहते होंगे। दोस्तों मतलब मालूम है भाई, देख लीजिए हम पहुंच हाँ गए जा हैं रुको मतलब यहाँ, वही हो कटे नहीं और जाता ये जो मतलब स्थान है और ये यहाँ लेबर है वो जो भूकंप बैठे का हैं, ठीक अभी है फैमिन चल रही है आटा यहाँ। बंद, हाँ और वो पूरा आटा है जो चालीस है का आटा तो फ्री अपन ले जा ये रहा हूँ, स्थान, और इसके डाक बाद वाले में वो मैं दे रही यहाँ पड़ी और ठीक जो मेन स्थान है और है जो आटा है यहाँ पहले संत हुए उनकी जो ठीक है मूर्ति आटा लगी हुई उठ है उनके भी दर्शन करवाऊंगा। और यहाँ एक हाँ भाई बहुत बढ़िया अच्छी सही सही है सही 24 घंटे 12 मास पानी नहीं सूखने वाली जो बावड़ी है बात वो ठीक आपको मैं है जूम करके दिखा आओ रहा हूँ। जरूर मेरे दादा ने तो फोन तो वो करो ठीक वहाँ सामने आई हुई है, है वहाँ जरूर मैं वो भी देखूंगा आपको मैं दिखाऊंगा। और जो संत भगवान है वो यहाँ बैठे हैं, हाँ इनसे भी मिल ना लिए हैं, ये बीमार है तो बात कर रहे हैं। सही है बात, मैं तो आप खींची आप होना इधर ही हो मुझे परी हो, हाँ जा को दे समसा वो करे ठीक है हरी ने वो दे समसा खा दो उनकी दवा गोली ली दे ठीक है बाबू जी से बात करते हैं, अभी फोन पे बाबू जी बात कर रहे थे। तो क्या हाल चाल है बाबू जी, ठीक है बाजी, बीमार तो फोन की तो हाँ कल है। अच्छा गर्मी थी बाजी मोदक हुआ बीमार, बीमार हो गए। लू लागे के हाथ में पग में शरीर दुखे ज्यादा पेट अच्छा में हर वकड़ो अच्छा काले दिए बजे बटे वस्त अच्छा सिर गए, आप फोन की दे दो हाँ बोले वो नहीं हमने आप पधार रही हो तो हाँ हम करा करी हुई थे जी आप खूटी रही हो ना इटे तावड़ा पे ठंड हुई तो आलू वो ये बात मतलब मैं बाकी बुलावा था आज तो दवाई वगैरह तो ली। हाँ ले था ले जा हमें जो ले बैठो अच्छा अच्छा ले ना आना ने फोन क्योंकि ये किए पहाड़ी चित्र है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पहाड़ी चित्र पूरा। और देखा आपने पहले भी मैंने बता दिया है आपको, तो यहाँ क्या है थोड़ी गर्म हवा ज़्यादा ही चलती है, तो ये महात्मा जी यहाँ सेवा पूजा करते हैं तो बीमार हो गए और हमारे को सूचना मिली और हम आए यहाँ। और कल वैसे इन्होंने दवाई वगैरह तो ली है और भी दवाई देखेंगे। बाबूजी आप दवाई को की लाइए दवाई।
बताओ मैं देखे। सरकार थी है। तो ये बावजी की दवाई वगैरह जो है मैं देख रहता हूँ कौन सी दवाई लाई है। तो नहीं ये बैठ जाएंगे भाजी, बैठो बैठो बैठो, 2 मिनट बैठो बैठो, आप बैठो, नहीं आप बैठो आप बैठो, अरे सो 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 सो, नहीं वो तो आपने वास्ते, अरे नहीं आपने वास्ते, अरे आपने वास्ते 2 मिनट वो, अरे दवाई बताओ, अरे नहीं नहीं कोई वो, अरे नहीं आप बो आप बो आप बो, ये बाबूजी के लिए दोस्तों दवाई है जो वाली के लाई है। बाजी खैर वो कोई नहीं भाजी, ये दवाई है दोस्तों, थोड़ा कैसे दिखा तो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम, कल बाबूजी का फोन भी आया था दोस्तों मैं, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन और ओमप्राजोल भूखे पेट के लिए भी है बाबूजी के पास, और ये फाइल और जो ये दवाई में है जो है ये लिए, तो भाजी इसको सही टाइम पे हरी लेना हरी ताकि आराम से आराम हो जाएगा, समझे। तो ये बाबूजी है यहाँ तो संभालते हैं और सब सेवा पूजा भी करते हैं, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं, ये फेमिन वाले हैं जो अभी काम करते करते बेचारे अभी बैठे हैं, और थोड़ा नाश्ता वगैरह खाना वाना भी खा लेंगे। और ये बड़ का पेड़ है दोस्तों, पहाड़ी चित्र है, और उधर भी जो स्थान दिख रहा है आपको वो छुग्गा देने के लिए है पक्षियों को। और दोस्तों विशेष बात तो एक बार बाबा जी ने बात की थी और वापस भी पूछ लेंगे, तो ये जो स्थान है जो यहाँ के एक संत हुआ करते थे, संत का स्थान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ जो रीस वगैरह जो भालू है वो भी आके इस मंदिर का गेट खोल के जो है यहाँ से वो जो अंदर दिया वगैरह जो होता है दोस्तों उसको भी वो खा लेता है, और ये ऑटोमेटिकली बाबूजी भी आ रहे हैं पीछे, दर्शन करवाता हूँ मैं आपको सबसे पहले। यहाँ जो संत थे जिनको यहाँ की भाषा में पंजी महाराज नाम से जानते थे, तो उनका ये स्थान है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये खोल के, ये इसको खोल के तो दोस्तों ये जो है पंजी महाराज का स्थान है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये पंजी महाराज का स्थान, और ये नंदी बाबा, और इसी के पास में ये संत महात्मा जो है। बाबूजी यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए बाबूजी। ऋषि जो था तो ऋषि ने कौन से मंदिर का वो दीवेल, वो ऋषि यहाँ आता था ये आया बाकी है यहाँ आके, ये मैं तो वहां सोया था रात को, रात को। अच्छा इधर आया वो तो फिर सुबह मैं यहाँ आता झाड़ू निकालने के लिए 5 बजे, अच्छा तो तो वो तो ऐसे दरवाजा खुला पड़ा है रीस सब। ने दरवाजा खोल दिया हाँ बाजी को तो, मैं और अंदर से। खाली ये जाली खाली हो, बाहर का कुटिया ऐसे इतना ही दिया बस, तो अच्छा ऐसे मैं भोले से ऐसे लगा दिया, तो अच्छा बोला कभी आता नहीं है वो अच्छा लगा देता ऐसे ही बस, थोड़ा लगा इतना है बस, फिर वो तो खोल दिया बाहर का, फिर अच्छा वो दीवी सब बाहर लाए, बाहर अच्छा अंदर वो दिया जो लगता दीवी है उसको खा लिया। खा लिया तो और दीवी पूरा खाया, इधर कहाँ से आता, किस किस ओर से रिस आता है, वो इधर से आता पीछे से पीछे से। अच्छा आता। तो दोस्तों मैं अभी आपको मैं जो है बैक साइड का भी वो दिखा देता हूँ, जहाँ से रिस वगैरह जो यहाँ रात को अक्सर आया करते हैं, बाबा जी अकेले रहते हैं यहाँ। वो कुटिया मैंने आपको भी दिखाई, और अभी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो ये बाबा जी, इसमें पानी कभी खलास नहीं होता, नहीं, नहीं बात कभी इतना ही, थोड़ा और ठंडा नीचे पानी जाता है थोड़ा नीचे जाता है। पानी, थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, अच्छा बाकी 24 घंटा पानी दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इतना और लू नीचे का जाता प्रकोप, बाबा जी भी बीमार हो गए थे तो बाबा जी ने बुलाया हमको और फ़ोन किया, तो हम आए यहाँ बाबा जी के लिए, और बाबा जी दवाई वगैरह ले रहे हैं। कल बात भी की थी बाबा जी से और बाबा जी को दवाई लेने भी भेजा था। तो बाबा जी ये शिव जी का स्थान है नहीं दोस्तों, ये देख लीजिए नलकूप लगा हुआ है ऊपर, और ये बावड़ी थोड़ी कैसा अंदर से दिखा, ये ऐसे ये पानी छटता है दोस्तों ये। अच्छा तो इसमें पहले पानी भरना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो है ये जो पानी इससे निकलता है, ये देख लीजिए
ये कितनी पुरानी होगी बाबू जी? ये हजारों साल पुराना है और अंदर देख लो इतने बड़ा मेंढक बाबू जी, इतने बड़े बड़े मेंढक अंदर। और ये स्थान इधर से रीस जो दोस्तों इधर से आता है जो रीस, और ये भी चुगा देने का स्थान है। और ये सामने जो है ये भी एक स्थान बना हुआ है। और यहाँ ये देख लीजिएगा पहाड़ी, इतनी पहाड़ी पे हाइट पे हम पहुँच चुके हैं ना, गांव बिल्कुल नीचे है। और अभी गवर्नमेंट ने फैमिली का जो जो फैमिन का जो कार्य चलता है वो गवर्नमेंट लगाया है, तो उस फैमिन के थ्रू यहाँ भी थोड़ी काम करवाया जा रहा है, थोड़ा काम करवाया जा रहा है तो व्यवस्थित हो जाएगा। और अभी ये पेड़ पौधे लगाए और बाबू जी बीमार है फिर भी हमारे साथ यहाँ मंदिर तक आए। तो नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, पानी तो आता ही है ना अंदर, पानी है तो आता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और आप भी कोई चप्पल वगैरह पहनो भाव जी, और वापस वो बंद कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।